नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। भक्तों, आज हम आपको सुना रहे हैं सब दुखों को हरने वाली, सौभाग्य देने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की सावन के सोमवार की कथा। तो भक्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त हुआ करता था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान ना थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी भगवान से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का अगर कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, ये इसी दुख से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दें। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रह पाएगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो कुछ खुशी हुई ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। परिवार में खुशी का, हर्ष का माहौल था, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही लगातार भोलेनाथ की सेवा में लगा रहा। उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से ना किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की बात कही तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा किसी काशी पढ़ने के लिए ले जाएं। रास्ते में जिस भी स्थान पर रुके वहां यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। वे इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी के विवाह का पता चला, जिससे उसका विवाह होना था। वो दुल्हा एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में यह आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के कार्य संपन्न करवा लिए जाए। उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वे अथाह धन देंगे, तो वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठ गया। जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपने चुनरी पर ये लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वो बेहद परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे, यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा कि हे प्रभु, ये कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वो भूख चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठ बैठा और मामा भांजे दोनों ही ईश्वर को धन्यवाद देकर अपनी नगरी को लौट पड़े। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारा धन धान्य के साथ विदा किया।
उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर जा बैठे थे। उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़की के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तब दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का बहुत भव्य स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जय भोलेनाथ।